सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आप सभी का डिफेंस ज्ञान सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। पिछले महीने बालाकोट एयर स्ट्राइक की सेकेंड एनिवर्सरी पर हमने डिफेंस ज्ञान सीरीज में एक स्पेशल वीडियो बनाई थी, जिस वीडियो का टाइटल था बंदर मारा गया। उम्मीद है आप में से अधिकतर लोगों ने उस वीडियो को देख लिया होगा, लेकिन अगर आप में से कोई ऐसा है जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें हम ये रिकमेंड करेंगे कि इस वीडियो को देखने से पहले आप वाली वीडियो देखें, क्योंकि तभी जाकर आपको ये वीडियो सही तरीके से समझ में आएगी। बाकी अगर आप उनमें से हैं जो ऑलरेडी उस वीडियो को देख चुके हैं तो उन्हें ये भी पता होगा कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान इंडियन एयरफोर्स के फाइटर्स ने 5 स्पाइस 2000 बॉम्ब्स को सफलतापूर्वक डिलीवर किया था, जिन्होंने बेहद ही एक्यूरेट तरीके से अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय भी किया था। लेकिन इस मिशन के दौरान एक छठा बॉम्ब भी था जो किसी सॉफ्टवेयर इश्यू के कारण फायर नहीं हो पाया था, और उस बॉम्ब को लेकर कहा गया था कि अगर वो सही तरीके से फायर हो जाता तो वो बालाकोट एयर स्ट्राइक का एक बहुत बड़ा सबूत हो सकता था, जो कि हमारे निकम्मे पड़ोसी के साथ साथ वेस्टर्न प्रोपेगेंडा को भी काउंटर करने के काफी ज्यादा काम आता। तो आज के एपिसोड में हम आपको उसी छठे बॉम्ब के बारे में बताने जा रहे हैं जो फायर नहीं हो सका था, जिसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि वो आखिर किस तरीके से बालाकोट एयर स्ट्राइक का एक बड़ा प्रूफ होता। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर जिस छठे बॉम्ब की बात की गई है वो असल में है इजरायली ओरिजिन की एयर टू सरफेस मिसाइल क्रिस्टल मेज, और जो ये क्रिस्टल मेज है ये इसराइल की रफाइल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा विकसित की गई पोपाई नाम की एयर टू सरफेस मिसाइल्स फैमिली का हिस्सा है। और आपको ये भी बता दें कि क्रिस्टल मेज पोपाई मिसाइल्स का वो वेरिएंट है जो खास तौर पर इंडियन मार्केट के लिए ही डेवलप किया गया था, और इसे रैप्टर के नाम से भी जाना जाता है। और एक क्रिस्टल मेज एयर टू सरफेस मिसाइल की खास बात यह है कि अगर इसे बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय स्पाइस 2000 बॉम्ब्स के साथ लॉन्च किया जाता तो ये मिसाइल अपने कैमरे की मदद से टारगेट को हिट करते हुए हमें एक लाइव वीडियो प्रोवाइड करती। यानी कि अगर ये मिसाइल स्पाइस 2000 बॉम्ब्स के साथ फायर की गई होती तो ये हमें उस समय की वीडियो प्रूफ दे सकती थी जिस समय स्पाइस 2000 ने टारगेट को हिट किया था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जब बालाकोट एयर स्ट्राइक मिशन को प्लान किया गया था तो उस समय योजना ये भी थी कि 5 स्पाइस 2000 बॉम्ब्स के साथ 6 क्रिस्टल मेज मिसाइल्स को भी लॉन्च किया जाएगा। लेकिन फिर ऐसे क्या कारण थे जिस वजह से ये क्रिस्टल मेज मिसाइल लॉन्च नहीं हो पाई या फिर लॉन्च नहीं की गई? तो अलग अलग रिपोर्ट्स में इसके पीछे के अलग अलग रीजंस दिए गए हैं, और जिसमें से कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से, यानी कि जिस समय मिशन चल रहा था तो उस दौरान कंडीशंस कुछ ऐसी थी जो इस मिसाइल को लॉन्च करने के लिए इंडियन एयरफोर्स के प्रोटोकॉल्स को मैच नहीं कर रही थी, जिसके चलते ये मिसाइल लॉन्च नहीं की गई। और कुछ रिपोर्ट्स में इसका कारण वेदर कंडीशन भी बताया गया है, जिसमें कहा गया कि उस समय बादल इतने ज्यादा थे कि पायलट को टारगेट क्लियरली नहीं दिख रहा था। और कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि जब ये एयर स्ट्राइक हो गई थी तो फिर उस समय स्पाइस 2000 बॉम्ब्स के साथ क्रिस्टल मेज मिसाइल को लॉन्च करने के प्रोटोकॉल्स में कुछ बदलाव कर दिए गए थे, ताकि भविष्य में अगर दोबारा से बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक को अंजाम देने की जरूरत पड़ती है तो फिर उस समय किसी प्रोटोकॉल के चलते हम कोई वीडियो प्रूफ हासिल करने से ना चूकें। और इसके साथ आपको एक जानकारी और दे दें कि जो ये स्पाइस 2000 बॉम्ब है, इसमें जो स्पाइस वर्ड है इसका फुल फॉर्म है स्मार्ट प्रिसाइज इम्पैक्ट कॉस्ट इफेक्टिव, और ये स्पाइस भी पोपाई एयर टू सरफेस मिसाइल्स की फैमिली का ही एक वेरिएंट है। और आप में से कईयों को लगता होगा कि स्पाइस 2000 पूरा एक बॉम्ब है, तो आपको बता दें कि इसमें जो स्पाइस है वो असल में एक गाइडेंस किट है जो कि इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स और जीपीएस गाइडेंस के साथ आती है, और इसका काम है किसी अनगाइडेड बॉम्ब को एक प्रिसिशन गाइडेड बॉम्ब में कन्वर्ट करने का। यानी कि स्पाइस 2000 में जो MK-83 या MK-84 जैसे वॉरहेड्स हैं वो असल में अनगाइडेड बॉम्ब्स हैं, लेकिन जब स्पाइस गाइडेंस किट इनके साथ शामिल होती है तो ये बन जाते हैं प्रिसिशन गाइडेड बॉम्ब्स। अब भले ही कारण कुछ भी रहा हो जिसके चलते हमें इस स्ट्राइक का वीडियो प्रूफ नहीं मिल पाया, लेकिन हम सभी इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं, और हमसे ज्यादा हमारा दुश्मन इस बात को जानता है कि जो ये बालाकोट एयर स्ट्राइक थी इसकी गूंज हमारे दुश्मन को हमेशा ये याद दिलाती रहेगी कि भारत बदल चुका है और भारत का जवाब देने का तरीका भी बदल गया है। तो इसलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारा निकम्मा पड़ोसी स्ट्राइक को झूठा साबित करने के लिए क्या क्या कहता है, क्योंकि सच्चाई तो यही रहेगी कि इस एयर स्ट्राइक में एक बार फिर से जोर का झटका बहुत जोर से लगा है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अगर आपका कोई सुझाव या सजेशन हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें, और साथ ही साथ अगर आप में से कोई ऐसा है जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही कोई भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल में अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए। और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।